हमारे साथ जॉयल है जो फाइनेंस लैब के स्टूडेंट है। जॉयल, कैसा लग रहा है आपको कॉन्सेप्ट? अभी लेक्चर आपने अटेंड किया, ब्रेक मिला है, कैसा लग रहा है? Yeah, actually, I'm feeling very delighted to be here as a part of Finance Lab students. Okay. Because here we are gaining a practical knowledge. So, जो students को नहीं मालूम अभी तक, उसका practical knowledge यहाँ पे मिल रहा है. So, yeah, I feel worth it that I have enrolled and so I feel that it's worth it. तो गाइस, हमारे साथ आतनु है जो फाइनेंस लैब के स्टूडेंट है. तो ये पूछते हैं कि इन्होंने फाइनेंस लैब के लिए क्यों एनरोल किया, क्या रीजन है? ओके, सो मैं फाइनेंस लैब में मैंने इसलिए एनरोल किया है क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रहा है फर्स्टली, एंड सेकेंडली ये कि इन लोग वो चीज़ सिखा रहे हैं जो आपको कॉर्पोरेट लाइफ में नेसेसरी है, वो सब सिखा रहे हैं. तो इसलिए ये हमारे लिए अपग्रेडिंग स्किल हो सकता है, तो इसलिए मैंने ये एनरोल किया है फाइनेंस लैब. सो गाइस, हमारे साथ मयूरेश है. तो मयूरेश, आपने फाइनेंस लैब में क्यों एनरोल किया, मतलब क्या सोच के एनरोल किया? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैंने एनरोल किया बिकॉज ऑफ ये क्योंकि ये फाइनेंस प्रैक्टिकल है, फाइनेंस प्रैक्टिकली सिखाने वाला है, स्टॉक मार्केट से लेके इन्वेस्टमेंट तक कैसे करना है, प्लस ऑनलाइन ट्रेडिंग कैसे करना है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है और टेक्निकल एनालिसिस क्या है. जैसे मैं इन फ्यूचर ट्रेडिंग भी करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने एनरोल किया.